मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने 5 कालिदास आवास पर आईआईटी में पास 14 उन गुदड़ी के लालों को सम्मानित किया जिन्होंने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आप अवगत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव ने कहा कि इन बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये परीक्षा पास की है। मुझे उम्मीद है कि ये ईमानदारी से गरीबों और देश की सेवा करेंगे। तो इन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने परिश्रम कर कर के पास किया है, आने वाले समय में भी करेंगे और जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गरीबों की भी ये सेवा इसी तरह करते रहें, क्योंकि उसी गरीब परिवारों के जो लोग हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में ऐसी पढ़ाई करनी पड़ती है। जहाँ सरकार ने सम्मान देने का काम किया है वहीं मैं अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। हालांकि ये काम किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का होना चाहिए कि अपने मोहल्ले में अपने आस पास जो बच्चा अच्छे नंबर पाए या गरीब है जो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है उसकी जानकारी सरकार तक दे और पहुंचाए और मदद पहुंचाए। लेकिन ये आप लोगों ने करा, इसके लिए आपको बेहद धन्यवाद देता हूं मैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिससे हर मेधावी को आगे भी सम्मान मिलता रहेगा। मैं ये सोचता हूँ और सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि आने वाले समय में एक ऐसी योजना बन जाए कि जो टॉपर हों, क्योंकि पिछली वर्ष मैंने CPBMT के जो बच्चे टॉपर हुए तो उनको भी मैंने सम्मान करने का काम किया था। 12th में जो पास अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं उनका भी सम्मान होता है। तो इस तरह के अगर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो टॉपर्स हैं उनका कहीं ना कहीं सहयोग सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। इन बच्चों के हाथ में लैपटॉप पहुंचा है, कुछ लोग चलाना जानते होंगे इसमें, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन जब इंजीनियरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता इन्हें महसूस होगी। ये वो बच्चे होंगे जिनके पास पहले दिन से ही हाथ में लैपटॉप होगा और जब कॉलेज में जाएंगे। उन्होंने मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देकर सम्मानित किया है। कहा, मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कोचिंग के लिए, उनके लिए एक महीने का खाना पैसा जुटाना भी मुश्किल होता है सर, तो एक साल का कुछ पैसा कहाँ से देंगे सर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पर ही रहकर तैयारी करूँगा, अगर भगवान मेरे साथ है और मेरी मेहनत कामयाब है तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगी, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है सर। CM सर ने मुझे जो लैपटॉप और 1 लाख रुपये से सम्मानित किया सर, मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मुझे एक सफलता के रास्ता दिखाया है सर।